हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस तारीख हो चुकी है 8 जुलाई 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर और आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है अभिषेक शर्मा की साइड से, जहां पर कल हमें भारत और जिम्बाब्वे की टीमों के बीच में मुकाबला देखने को मिला था और इस मुकाबले में हमें अभिषेक शर्मा की साइड से काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। हालांकि अपने डेब्यू मुकाबले में अभिषेक शर्मा खाता खोले बगैर आउट हो गए थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने 47 गेंद पर 100 लगाया। पहले 50 रन 33 गेंद पर आए, लेकिन इसके बाद 50 से लेकर 100 के बीच का सफर इन्होंने सिर्फ 13 गेंद पर ही तय कर लिया और इन्होंने दिखाया कि आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। अब यही कहा जा रहा है कि क्योंकि रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं तो रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट के तौर पर अब अभिषेक शर्मा ही भारत की टीम में ओपन करने वाले हैं। वैसे भी भारत की टीम में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अभी तक हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अक्सर भारत की टीम सफर भी करते हुए नजर आती है। तो इन्हीं सब रीजंस के चलते हुए अब अभिषेक शर्मा हमें मोस्ट प्रोबेबली भारत की T20 टीम में ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग अभिषेक शर्मा को भारत के T20 स्क्वाड में देखना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है जय शाह की साइड से, जहां पर क्योंकि अब जय शाह की साइड से फाइनली अनाउंसमेंट आ चुकी है रोहित शर्मा के कैप्टनसी फ्यूचर को लेकर। कुछ लोगों का ये मानना था कि रोहित शर्मा को अब एज अ कैप्टन ज्यादा चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जय शाह ने क्लियर कट बता दिया है कि उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में इस बात को क्लियर कर दिया है कि रोहित शर्मा ही हमें भारतीय टीम के जो आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें कैप्टन के तौर पर देखने को मिलेंगे। जय शाह ने कहा कि वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी से काफी ज्यादा खुश हैं। लास्ट के एक साल में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भारत की टीम ने 3 फाइनल खेले हैं और उसमें से एक फाइनल हम जीते भी हैं, 2 फाइनल में हमारा दिल टूटा था, लेकिन इसके बाद अभी WTC और उसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी तक तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी को फाइनलाइज कर दिया गया है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है सूर्य कुमार यादव की साइड से, जहां पर सूर्य कुमार यादव की साइड से रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि क्योंकि लास्ट ईयर ये मुंबई इंडियंस की टीम के मैनेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे जब हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया था, तो उस टाइम पर सूर्य कुमार यादव की साइड से हमें काफी ज्यादा स्टोरीज देखने को मिली थी जिसमें क्लियर कट ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आए थे कि इनको कैप्टनसी नहीं दी गई। तो ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव को चेन्नई सुपर किंग्स की साइड से ऑफर किया गया है। वैसे भी इस बार हम सभी लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा और अगर मेगा ऑक्शन में जीरो प्लेयर रिटेंशन का रूल आ जाता है या फिर नहीं भी आता है तो पूरी तरीके से ये चीज सूर्य कुमार यादव के ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या वो मुंबई इंडियंस की टीम के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं या फिर किसी और आईपीएल फ्रेंचाइज की तरफ देखते हैं। तो ऐसे में सीएसके की साइड से ऑलरेडी इनके लिए रास्ता ओपन रखा गया है, जहां पर सीएसके चाहती है कि अगर सूर्य कुमार यादव इनकी टीम में आकर खेलना चाहते हैं तो सीएसके के दरवाजे इनके लिए खुले रहेंगे। मुंबई इंडियंस के अगर आप लोग फैंस हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग सूर्य कुमार यादव को MI की टीम को छोड़ते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है रविंद्र जडेजा की साइड से, जहां पर कल हमें MSD का 43rd बर्थडे देखने को मिला था और इसी के रिगार्डिंग रविंद्र जडेजा की साइड से हमें एक क्रिप्टिक पोस्ट देखने को मिली, जहां पर जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर MSD को बर्थडे विश किया, लेकिन उन्होंने लिखा कि वो पूरे क्रिकेटिंग दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को प्यार करते हैं और वो महेंद्र सिंह धोनी है, यानी कि उनके अलावा उनका किसी भी क्रिकेटर के साथ किसी भी तरीके का लिंक नहीं है। अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी जहां पर ये कहा गया था कि भारत के हर एक प्लेयर को स्टेज के ऊपर जाकर बोलने का मौका दिया गया था, लेकिन रविंद्र जडेजा को बोलने का चांस नहीं दिया गया था, जबकि उन्होंने तो रिटायरमेंट भी अनाउंस की थी, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक पांड्या को बोलने का चांस दिया गया था, विराट कोहली रोहित शर्मा को बोलने का चांस दिया गया, लेकिन रविंद्र जडेजा को किसी ने भी अच्छे तरीके से क्रेडिट नहीं किया, जिसके चलते हो सकता है कि ये भारतीय टीम के मैनेजमेंट रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर से थोड़े से नाराज हों। पास्ट में भी इस तरीके की चीजें हमने जडेजा की साइड से देखी हैं, जहां पर ये MSD के साथ भी एक बार काफी नाराज हो गए थे जब इनको कैप्टनसी से हटाया गया था। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है जसप्रीत बुमराह की साइड से और ये काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली है, जहां पर रिपोर्टेडली हार्दिक पांड्या के कैप्टन बनने के बाद और अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या के काफी तगड़े रिडेम्पशन के बावजूद हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह MI की टीम का साथ छोड़ दें। हालांकि अब ये इनिशियल रिपोर्ट्स ही हैं, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसी कंफर्म रिपोर्ट निकल कर आती है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देंगे, जिसका लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि खबर ये काफी बड़ी है तो इसकी इनिशियल रिपोर्ट्स ही अभी तक निकल कर आई है तो इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है गौतम गंभीर की साइड से, जहां पर गौतम गंभीर की साइड से हमें अपडेट देखने को मिली है कि ऑफिशियली अब इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को छोड़ दिया है। कल गौतम गंभीर के लिए KKR के ईडन गार्डन स्टेडियम में हमें एक स्पेशल
फेयरवेल सेरेमनी ऑर्गेनाइज होते हुए नजर आई थी, जहां पर गौतम गंभीर ने यहां पर स्पीच भी दी और उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को थैंक यू भी किया कि उन्होंने उनको वापस बुलाया। और उसके बाद पहले LHC में थे, लेकिन इनकी कोचिंग और मेंटोरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लास्ट ईयर IPL का टाइटल भी जीता था। तो ऐसे में गौतम गंभीर ने इनको थैंक्स तो बोला ही है, लेकिन इसके साथ ही अब गौतम गंभीर के इस फेयरवेल के बाद ये बात भी कंफर्म होती है कि वो भारतीय टीम के हेड कोच के तौर पर ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुके हैं और उनका जो कार्यकाल है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो करेंटली VVS लक्ष्मण भारत की टीम के साथ हैं, लेकिन इसके बाद जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है बांग्लादेश के साथ, मोस्ट प्रोबेबली उस सीरीज से गौतम गंभीर भारत के हेड कोच के तौर पर ज्वाइन करते हुए नजर आ जाएं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है एक मीम, आप लोगों ने आजकल बहुत देखा होगा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, और उस मीम में जय शाह हमें अक्सर ही विराट कोहली को बड़े अजीब तरीके से घूरते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद यही कहा जाता है कि जय शाह को विराट कोहली से प्यार हो गया है। तो खैर ये तो एक बस मीम ही है, लेकिन इसके बाद एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज रिवील हुई है, जो कि शायद आप लोगों को पता चले तो ये न्यूज आपके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है, और ये है जय शाह और विराट कोहली की एज के रिगार्डिंग। दरअसल विराट कोहली और जय शाह दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ हमें 1988 देखने को मिलती है, लेकिन आप लोग फिटनेस या फिर इवन लुक्स वाइज भी देख सकते हैं कि विराट कोहली और जय शाह में हमें काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। मतलब जय शाह तो ऑनेस्टली किसी भी एंगल से हमें 35 साल के देखने को नहीं मिलते। कमेंट करके आप लोग बताना आपने क्या सोचा था कि जय शाह की एक्चुअल एज कितनी है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग, जहां पर अब BCCI ने बता दिया है कि इस साल के मेगा ऑक्शन में हमें 2 दिन तक ऑक्शन चलता हुआ नजर आएगा, जहां पर जनरली जो मिनी ऑक्शन होता था वो एक ही दिन चलता था, लेकिन क्योंकि मेगा ऑक्शन में नंबर ऑफ प्लेयर्स काफी ज्यादा होने वाले हैं, सीट के साथ ही इस बार अगर रिटेंशन कम होती है तो और भी ज्यादा प्लेयर्स हमें नीलामी में देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इस बार हमें 2 दिन ऑक्शन चलता हुआ नजर आने वाला है। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।